नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के विज्ञापन को महाकाल से जोड़ने पर विवाद हो गया है। कंपनी का ये विज्ञापन एक्टर ऋतिक रोशन ने किया है। इसमें वो कह रहे हैं, थाली का मन किया, उज्जैन में है तो महाकाल से मंगा लिया। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि महाकाल मंदिर किसी थाली की डिलीवरी नहीं करता है। जोमैटो और ऋतिक रोशन इस विज्ञापन पर माफी मांगे। बता दें कि मंदिर के पुजारी महेश ने कहा कि कंपनी ने अपने विज्ञापन में महाकाल मंदिर को लेकर भ्रामक प्रचार किया है। ऐसे विज्ञापन जारी करने से पहले कंपनी को सोचना चाहिए। हिंदू समाज सहिष्णु है, वो कभी उग्र नहीं होता। अगर कोई दूसरा समुदाय होता तो ऐसी कंपनी में आग लगा देता। जोमैटो हमारी भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ न करे। बता दें कि महाकाल मंदिर के पुजारी महेश ने कहा कि महाकाल मंदिर के अन्न क्षेत्र में भक्तों को भोजन थाली में दिया जाता है, लेकिन थाली का भोजन किसी के मंगाने पर डिलीवरी करने का कोई प्रावधान नहीं है। जो कंपनी नॉनवेज खाना भी डिलीवर कर रही हो, उसे तुरंत महाकाल थाली का भ्रामक विज्ञापन बंद कर देना चाहिए। कंपनी ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाया है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। कंपनी ने माफी नहीं मांगी तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें कि महाकाल मंदिर में पुजारियों के विरोध के बाद उज्जैन कलेक्टर और महाकाल मंदिर समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह ने विज्ञापन को तथ्यहीन और भ्रामक बताया है। गौरतलब है कि महाकालेश्वर मंदिर के अन्न क्षेत्र में रोजाना हजारों श्रद्धालु भोजन प्रसाद लेने पहुंचते हैं। मंदिर समिति की ओर से फ्री खाने का इंतजाम किया जाता है। श्रद्धालु सुबह 11 बजे से 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात 8 बजे तक अन्न क्षेत्र में बैठकर भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। ये परंपरा सैकड़ों साल से चली आ रही है। बता दें कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है। तो दोस्तों, महाकाल का नाम अपने एड में इस तरह से शामिल करना जोमैटो के लिए सही है या गलत? क्या इसका खामियाजा जोमैटो को भुगतना पड़ेगा या फिर नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।